उत्तर प्रदेश के बलिया में लोकसभा क्षेत्र 72 बलिया भाजपा के प्रत्याशी वीरेंद्र सिंह मस्त पत्रकारों द्वारा सवाल पूछने पर मीडिया पर भड़क उठे। कहा कि मैं देश प्रदेश लेवल की बात करता हूं, धरातल पर क्या विकास हुआ ये मैं नहीं बताता। सभी गठबंधन जोरदार हमला बोलते हुए कहा कि बलिया गाजीपुर से प्रत्याशी खड़े करने पर सरकार बना लेंगे। मेरा नाम वीरेंद्र सिंह है, मैं यहाँ बीजेपी का प्रत्याशी। जिस प्रकार से बीजेपी ने आपको बलिया लोकसभा 72 का प्रत्याशी बनाया है, तो क्या आप बलिया लोकसभा के जनता के उद्देश्य पे खरे उतरेंगे? अभी आप बता सकते हैं कि मैं खरा तीन बार मैं भदोही का सांसद रहा हूँ, तो बिना खरे उतरूंगा सांसद रहा हूँ? बलिया मेरी आपका जन्मभूमि है बलिया, और आपको टिकट मिल गया बलिया से। एक मिनट बंद करिए। आप बलिया के बेटे हैं, जन्मभूमि आपका यहाँ का है, और क्या अब बलिया के विकास के मुद्दे पर कुछ पहलू डालेंगे? तो पूरा चुनाव देश का हमारा विकास के मुद्दे पर लड़ा जा रहा है, और पूरे भारत का विकास 2014 के पहले कैसे हुआ था, अभी पत्रकारिता के क्षेत्र में काम करते हैं और देख सकते हैं, आकलन कर सकते हैं। 2014 के बाद जो विकास हुआ है, उस विकास को आगे मुकाम तक पहुंचाना, ये हमारा संकल्प है और यही हम लोगों का मिशन। इसी मिशन के अंतर्गत हम चुनाव लड़ते थे भदोही, और तीन बार वहाँ के लोकसभा का सांसद रहे। प्रधानमंत्री ने, पार्टी अध्यक्ष अमित भाई ने जब यह फैसला किया यहाँ चुनाव लड़ना है, तो उनका कुछ मिशन होगा, उनका कोई उद्देश्य होगा, उस उद्देश्य को पूरा करने के लिए मैं पूरा यह संकल्पित। गठबंधन क्या उनकी इस चराय पर क्या करना है? गठबंधन सरकार करिए, गठबंधन करिए, हम उत्तर प्रदेश अस्थित मारेंगे, क्या इस पर आप? ये गठबंधन आज थोड़े लड़े हैं, 1993 में ये बस जब मुलायम सिंह और काशीराम का गठबंधन हुआ था, तब उस समय लड़े थे जब हमसे हार गए थे कल्याण सिंह हमारे नेता थे, आज तो उसके आधा भी गठबंधन में ताकत नहीं। लेटेस्ट न्यूज देखने के लिए प्राइम ब्रेकिंग न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और साथ ही डेली अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।